बटरफ्लाई म्यूजियम, जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो है वैंखर एंटोमोलॉजी म्यूजियम। ये पीवी से अराउंड अगर आप चल के आते हो तो 15 से 20 मिनट लगेगा। जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इसका जो एंट्री फी है पर हेड 50 रुपीज़ है, ठीक है, और इतना ही है। आप देख लो ये एक प्राइवेट प्लेस है, ऐसा मत सोचना कि गवर्नमेंट वगैरह इसको चला रहे हैं, ये एक प्राइवेट प्लेस है और इतना में ही सारा चीज़ है, आप देख लीजिए। और ठीक है, तो ये जो एंटोमोलॉजी जो है ये एक जूलॉजी का कोई ब्रांच है। तो यहाँ में जितने बटरफ्लाई के मतलब मैक्सिमम जितने स्पीसीज हैं यहाँ में ये लोग कलेक्ट करके रखे हैं, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये जो कलेक्ट करना ही सबसे बड़ा मुश्किल है, इतना सारा कलेक्ट करने में कितना साल लगा होगा समझ लीजिए। ओके, तो आप आओ यहाँ अगर आना है तो। वैसे मैं बताऊंगा इसके बारे में और कुछ थोड़ा देर बाद में, यहाँ से निकलने के बाद। वेल हाँ, तो यही कुछ सजेस्ट किया कि गूगल पे इसको कैसे एडवर्टाइज करके ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लाया जा सकता है। ओके, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और थोड़ा लाइटिंग कंडीशन अगर इसका ठीक कर दिया जाए ना तो ट्रस्ट मी बहुत मस्त हो जाएगा। बहुत पुराना पुराना फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रस्ट बोल मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है, अगर पैसा कमाना ही है तो अच्छे से कमाओ ना, बढ़िया से कमाओ, लूट लूट के कमाओ, यही बोलूँगा। थोड़ा बहुत क्यों जब मेहनत कर ही रहे हो तो अच्छा से ही उसका इन प्रॉफिट आना चाहिए ना। तो मेरे को अगर अंकल इसका मैनेजर बना देना, मैं इसको 2 दिन में ट्रेंडिंग में ला दूंगा। जो भी है जैसा है यही है, मिलते हैं आपसे फिर। You also tell the history little bit. The history, it was started by my father-in-law, Mr. S.J. Sarkar. He was a Christian Bengali, married to my mother-in-law, the lady of this place, Shillong, the Wankhar. And myself, I stayed, after marriage. Yeah, you stay here. Yeah, I stay here. Because I married his youngest daughter. अच्छा। और जो पर हेड जो एंट्री फी है वो है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 30 रुपीज़। ओके, और बात करें यहाँ पे तो संडे को क्लोज रहता है। और देख लीजिए, और मैं कुछ बता दूँ फैक्ट्स
अंदर में फोटो लेना अलाउड है ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन पर फोटो 10 रुपीज। लेकिन हम लोग ने अराउंड यहाँ में 20 से 25 अराउंड 50 फोटोज लिए, लेकिन अंकल ने सिर्फ 50 रुपया लिया तो हमने उनको दे दिया। मैंने अंदर में काफ़ी वीडियोज भी शूट किया, लेकिन ओवरऑल इन्होंने 50 रुपया लिया। और जो कलेक्शन अंदर में है इसको एक आदमी ने कलेक्ट किया है, वो रात रात को मतलब हफ्ते हफ्ते दिन तक अंदर रहते थे मतलब जंगल में और कलेक्ट करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे अपने जॉब को लेके या फिर जो भी बोले, वरना आजकल ऐसा तो नहीं है। और ये आप बोल सकते हो इंडिया में ऐसा म्यूजियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वो किसके द्वारा रन होगा, या फिर गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये खुद ये लोग रन करते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। ओके, और प्लेस सजेस्ट करिए कौन सा प्लेस नेक्स्ट देखना है।